हमारी खाला बीबी करके नाम है, वो दौड़ के आए उधर से, चलो चलो निकलो, घर जल रहा है, लूटपाट हो रहा है, अपने को मार डालेंगे, चलो निकलो घर में से। तो फिर हम उधर से निकल गए, उधर रास्ते पे हम गए, इतने में हमारे पर हमला हो गया। दो गाड़ी आई थी हमारे गांव से, तो उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया कि ए रे मुसलमान, मारो काटो उसको, छोड़ो मत। फिर हमारे पर हमला किया, हमारे कपड़े फाड़ डाले, हमारी माँ बहनों को, भाइयों को, मेरे चाचा ससुरा, मेरे मामा थे, मेरी फोई थी, उन सबको मारने लगे, हमको, मेरे को भी मारने लगे। मेरी बेटी 3.5 साल की मेरी गोद में थी, उसको लेके पटक दिया नीचे। फिर मेरे को पकड़ के, दो जन पकड़ के ले गए मेरे को, और 3 जन ने मेरे पर बलात्कार किया। और मैं देखती रही कि मेरे परिवार को मारो मत, छोड़ो, छोड़ दो उसको। तो भी उन्होंने छोड़ा नहीं, हमको मारने लगे, सबको मार डाला मेरी आंखों के सामने। बच्ची, आप बच्ची को भी मार दिया, और 2 दिन की लड़की को भी मार दिया। हम 17 लोग थे और सबको मार डाला। इनमें से हम 3 बच गए, वो 2 लड़के बचे हैं और मैं। उसके बाद क्या हुआ, आप कैसे बच गए? उसके बाद मेरे एक दो घंटे के बाद मुझे होश आया, तो मैं सबको देख के, मैं छुप के एक पहाड़ था उस पे चली गई। फिर वहाँ मैं छुप के बैठी रही कि सबको मार डाला है, और अब मैं क्या करूँगी, अकेली मैं कहाँ जाऊँगी। और फिर मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि अल्लाह मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना। फिर वहाँ एक रात और एक दिन रुकी पहाड़ पे, अकेली ठंड में। हाँ, कपड़े भी नहीं थे शरीर पे, एक चनिया था उधर पड़ा हुआ था, तो वो पहन लिया मैंने। फिर प्यास भूख बहुत लगी मेरे को, तो मैंने एक हैंडपम्प नीचे, मेरी नज़र उधर लगी, तो मैंने देखा कि हैंडपम्प दिख रहा है, तो मैं पानी पीने के लिए नीचे उतर जाऊँ। तो मैंने हिम्मत करी कि अल्लाह ने मुझे जिलाई है तो जिलाएगा, और मैं ऐसा करके हिम्मत करके नीचे उतरी। और मैं हैंडपम्प पे गई, तो वो लोग भी मुझे मारने लगते कि कौन आया है इधर, कपड़े भी नहीं है उसके शरीर पे, तो वो लोग भी मुझे मारने लगे। तो मैं उनके जैसी भाषा बोली कि मैं तुम्हारे वाली हूँ, मुझे मारो मत। तो उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया, और मैंने कपड़े मांगे, ब्लाउज और ओढ़ना, तो उन्होंने दिया मेरे को। फिर मैं पुलिस की गाड़ी देखी मैंने, तो उधर मैं चली गई। उधर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे परिवार वालों को, सबके साथ ऐसा हुआ है, उनको मार डाला है, और मुझे ले चलो सर, मुझे मार डालेंगे। वो लोग मुझे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में दूसरे दिन मैंने FIR दर्ज करवाई, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तू ये सब लिखा रही है तो तुझे मार डालेंगे जहर का इंजेक्शन देके। फिर आप अपने पति से कैसे मिले? हमारे पति आए फिर 10-15 दिन के बाद आए थे कैंप में। तब तक आप कैंप में थी? हाँ, मैं कैंप में थी। अभी भी रोती हो कभी बैठ कर? हाँ, होना तो आता ही, याद आता है सब, माँ बहन नहीं है, भाई छोटे छोटे, एक भाई है और एक मैं हूँ, 2 ही बच्चे हम, और पापा है और भाभी है, भाई के बच्चे है। आप बहुत डिप्रेशन में चली गई थी ना? हाँ, बीच में तो बहुत बीमार हो गई थी मैं, अभी भी दवाई चल रही है मेरी। गुस्सा आता है? बिल्कुल, बहुत गुस्सा आता है कि सामने आ जाए तो हम बीमार हैं, उसको हमारा जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्या करेंगे हम। बस रोते रोते निकाल दिए, 10 साल होने आए। कुछ और कहना चाहती हूँ आज? और तो ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ